Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. The following 15 states have thus been elected members of the Human Rights Council for 3 years, term of office beginning on 1st January 2018. Afghanistan, Angola, Australia, Chile, the Democratic Republic of the Congo, Mexico, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Qatar, Senegal, Slovakia, Spain, and Ukraine. I congratulate those states which have been elected members of the Human Rights Council, and I thank पाकिस्तान अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसल का चौथी बार रुकन मुंतखब हो गया है। जनरल असेंबली इजलास में पाकिस्तान को दो तिहाई से ज्यादा वोट मिले हैं। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तक़िल मंदूब मलीहा लोधी ने इसको बड़ी सफारती कामयाबी करार दिया है। पाकिस्तान जिसने 7 दफा सिक्योरिटी काउंसिल में सर्व किया है, अब चौथी दफा ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी सर्व कर रहा है, तो मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की, पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की और पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आवाम की तायद जो हुई है यहाँ पर, इंडोर्समेंट जो हुई है, तो उससे जाहिर है पूरी टीम जो यहाँ मौजूद है, हम बहुत खुश हैं इस सफारती कामयाबी में। मलीहा लोधी का अपने ट्विटर पैगाम में कहना था कि पाकिस्तान के इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब होने पर खुश हूं और पाकिस्तान का साथ देने वालों का शुक्रिया अदा करती हूं। इस कामयाबी पे झूठ साबित हो गया कि पाकिस्तान तन्हा है। उन्होंने कहा कि कामयाबी अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के किरदार की तौसीक है और पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ में खुश आमदीद, मैं हूँ इमरान सुल्तान। खबर आप जान चुके हैं, पाकिस्तान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का चौथी बार मेंबर मुंतखब हो गया, बावजूद इसके कि भारत ने जो कुछ भी किया, भारत ने पाकिस्तान की कितनी मुखालफत की, इसके बावजूद भी पाकिस्तान एक बड़ी मेजोरिटी के साथ इस सीट को पाकिस्तान ने विन किया। 93 वोट हमें दरकार थे सिंपल मेजोरिटी के लिए, लेकिन 151 वोट पाकिस्तान को मिले आउट ऑफ 93 कंट्रीज। 193 कंट्रीज जो हैं इसमें उन्होंने जाहिर के हिस्सा लिया और एक बड़ा एतमाद का इजहार उन्होंने किया पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से, पाकिस्तान में इंसानी हकूक के हवाले से जो काविशें हुई उसको बाकायदा उसकी तस्दीक की, उसकी तौसीक की। लेकिन इस खबर के साथ भारत को क्या मिर्चे लगी, भारतीय मीडिया जो है वो कितना बिलबिला रहा है, भारतीय मीडिया कितना जो है परेशानी का शिकार। आइए सबसे पहले तो यह देखते हैं कि भारतीय मीडिया जो है उसके ऊपर, इस खबर के ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड किया। Right news is coming in, big shocker from the United Nations terror state Pakistan and Middle East nation Qatar made members of the UN Human Rights Council. 50 new members inducted into the UN Human Rights panel. The question is the United Nations blind to Pakistan's terror links and human rights record? Why are the world's worst human rights abusers being given space on the UN high table? बड़ा धचका लगा, यकीनन बड़े धचके की बात है भारत के लिए कि जिस तरीके से उसने लॉबिंग की थी पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरीके से उसने पूरी दुनिया के में कहा था कि पाकिस्तान तन्हा हो गया, आज देखें कि किस तरीके से 151 ममालिक ने पाकिस्तान को वोट दिया, किस तरीके से पाकिस्तान को एक बड़ी मेजोरिटी के साथ ममालिक ने डोर्स किया कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम हुआ और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से कितनी कमिटेड है। ये तमाम चीजें इंडिया के मुंह पे एक जबरदस्त तमाचा है। पाकिस्तान सिफारती लिहाज पे बिलखुसूस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और उसके बाद यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इसमें क्या ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है भारत को, किस तरीके से पाकिस्तान उसकी जो इंडिया ने हमारे खिलाफ लॉबिंग की थी, भारत हमारे खिलाफ चल रहा है उसको किस तरीके से असरात जायल किया, ये सारी चीजें आपने देखी। अब इन्हीं तमाम इश्यूज को डिस्कस करेंगे आपके आज के मेहमान के साथ। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जमील अहमद खान साहब, आप साबिक सिफारतकार हैं। जमील साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर मुंतखब हुआ,
इस एक ऐसे वक्त पे कि जब इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उसने भरपूर लॉबिंग की पूरी दुनिया में, और उनकी जो सुषमा स्वराज है उनका कहना है कि पाकिस्तान अब तन्हा रह गया, तो तन्हा रहने वाली जो बात है उसमें कुछ अगर हम आदाद व शुमार के हवाले से बात करें तो 193 जो मेंबर्स हैं, इस 193 मेंबर्स में पाकिस्तान को इंडोर्स किया 151 ममालिक ने, 151 जो कंट्रीज हैं उन्होंने पाकिस्तान के हक में जो है वो वोट दिया, जबकि पाकिस्तान को महज 97 वोट दरकार थे। तो आप समझ लें कि आधा ये सादा अक्सरियत से पाकिस्तान ने ये सीट जीती है। तो कितनी अहम पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में चौथी बार दोबारा आना। अगर देखा जाए तजिए के मुताबिक जो डिप्लोमेटिक इसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमें, वो ये कि दुनिया के इन तमाम ममालिक जिन्होंने हमें वोट दिया है, जहर है वो उसके लिए अच्छा, इसके वोट लेने के लिए भी काफ़ी काम करना पड़ता है। क्या होता है पहले तरीका, ये होता है कि जनरल असेंबली से पहले 7 महीने पहले एजेंडा बनना शुरू होता है, और उसके बाद सप्लीमेंट्री पॉइंट के लिए 90 दिन पहले तक आप पॉइंट दे सकते हैं। लेकिन ये ऐसी हैं जो कि 7 महीने पहले एजेंडा तैयार हो जाता है हर जनरल असेंबली, जो सितंबर में शुरू होती है और तकरीबन 2.5-3 माह तक चलती रहती है। तो उसमें ये इलेक्शंस होते हैं, जिस जिस तरह मेंबर्स की टेन्योर पूरा होता है इसका, उस टेन्योर के बाद वो मेंबर्स दोबारा हर खित्ते को अलहदा अलहदा दिए हुई हैं, सीटें दी हुई हैं। जैसे हमारे साउथ एशिया को हमने दिया हुआ है 13 सीटें, अफ्रीका को 13 दिया हुआ है उन्होंने सीटें, उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका को 13 सीट दी हुई है, यूरोप को 7 सीटें दी हुई, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट है ये। तो इस तरीके से करके वो पूरा एक काउंसिल बनता है, और उस काउंसिल बड़ा बाख्तियार काउंसिल होता है। इसकी अगर और मजीद गहराई में जाएं तो ये बहुत ही पावरफुल काउंसिल है। जी, वीडियो परमिशन में जाना चाहूंगा। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, और ब्रेक के बाद भी जमील अहमद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। वेलकम बैक। खान साहब, आप फरमा रहे थे कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के साथ लीगल डिप्लोमेसी ये वो एरिया है जिसमें पाकिस्तान को बहुत करने की ज़रूरत है। व्हाट अबाउट द मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी? देखिए, ये सारा आपकी फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ जो होते हैं उनको हासिल करने के लिए, जो मैं पहले भी कुछ प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि मल्टी डायमेंशनल मल्टी लेयर्ड एफर्ट करनी पड़ती हैं, और वो है क्या? वो यही है कि आजकल की दुनिया इंटरनेशनल कानून पर भी चलती है ना, साथ में आपको मुल्क से बाहर जो अहदाफ हासिल करने हैं आपने ख़ास तौर पर, वैसे तो मुल्क के अंदर भी कुछ, तो उसमें आपको जाहिर है कि आपको इंटरनेशनल कानून को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करने के लिए उसको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के ज़रिए अपनी बात आप उन फोरम्स पे पहुंचाएंगे तभी होगी बात। आपने मुझसे सवाल किया था इब्तदा में कि ये जो काउंसिल में हम मेंबर सेलेक्ट हुए हैं वो ठीक है, एक खुशाइन बात है, लेकिन उससे कश्मीर का मसला तो नहीं होगा। कश्मीर के दैट्स व्हाई आज के पिछले 3 मर्तबा भी हम रहे, ये चौथी मर्तबा, 3 मर्तबा हम हुए हैं। मेरा कश्मीर के हमारे जो मेंबरशिप 3 मर्तबा भी अगर हम रहे हैं तो मेरा सवाल मेरे जहन में जो उठता है उसका जवाब मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है मुझ जैसे सफीरों के लिए देना भी, वो ये है कि जब हम 3 मर्तबा रहे और कश्मीर में जो जुल्म बर्बरियत और जो जुल्म सितम चलता रहा उसमें आप अंदाज़ा करें कि हम उसकी लीगल डिप्लोमेसी के मुताबिक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी जनरल असेंबली का एक रेजोलूशन है जो कि 2649 है, इतनी खूबसूरत उसमें रेजोल्यूशन पास किया गया है कि उसमें कहा गया है कि जो लोग हक़ खुद इरादियत दुनिया में कहीं भी जो हक़ खुद इरादियत के लिए स्ट्रगल करते हैं उन्हें ये हक हासिल है कि वो जहाँ से चाहे मदद हासिल करें, और उनको अगर मदद दी जाए तो वो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। पाकिस्तान तो हम तो सिर्फ उनको मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट ही कर रहे हैं, उस सिक्योरिटी उस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन के मुताबिक हम उन्हें फाइनेंशियल और बाकी सपोर्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम दुनिया के सामने मंजरनामे पे ज्यादा नहीं लेके आ सकी हैं जितना हमें लेके आना चाहिए। और सर यही वजह है कि जब 18 सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन जो हैं बतदरीज उसमें यही कहा गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 47 उस पर अमल नहीं हो रहा है, उससे जब तक हम ह्यूमन राइट कमीशन के आर्टिकल्स को नहीं कोरिलेट करेंगे और उसके अलावा रेजोल्यूशन को नहीं करेंगे, उसके अलावा जो ह्यूमन राइट के जितने बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको हम कोरिलेट नहीं करेंगे तो दुनिया के सामने हम अपना मुकदमा कश्मीर का मुकदमा जो कि हमारे ऊपर कर्ज है हम उसको नहीं सही तरीके से पेश कर सकते। और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है इसे जब मैं विकीपीडिया पर इसकी रिसर्च वगैरह देख रहा था तो उसमें दुनिया भर के इशूज थे, क्योंकि जाहिर है कि ये जहाँ जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसी के ऊपर काम करते हैं, उसमें कहीं कश्मीर का तस्करा तक नहीं, उनकी मतलब जो जो आप कह लें कि इंट्रोडक्शन है उस
तक में वो मौजूद नहीं था। तो ये एक हमारी बहुत बड़ा अलमिया है कि तीन दफा हम मेंबर्स रहे और हम इस चीज को प्रोसीड वहां पे उस तरीके से नहीं कर सके। ये आती है पब्लिक डिप्लोमेसी के जिम्मे में, हमने पब्लिक डिप्लोमेसी अपने सही अंदाज में नहीं की, लिहाजा वो वहां भी नहीं आया। वहां पर भी नहीं आया। गुफ्तगू में शरीक करते हैं सैयद नैयरुद्दीन अहमद को, तजियाकार हैं और आज इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। नैयर साहब, हमेशा बात की जाती है कि पाकिस्तान में, जाहिर है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की वाहिद आवाज़ है, इंटरनेशनली पाकिस्तान की तरफ से ही सारी चीज़ें जाती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में कैपिटलाइज नहीं हो पाती, जो कश्मीर में अपराइजिंग जब कभी भी होती है, स्पेशली बुरहान वानी की शहादत के बाद के मामलात भी अगर देखें, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में सही कैपिटलाइज अगर नहीं हो सकी तो क्यों नहीं हो सकी? हमारी यहाँ कश्मीर कमेटी भी एक बड़ी एक कमेटी समझी जाती है, पार्लियामेंट की सबसे ज़्यादा वसाइल रखने वाली, सबसे ज़्यादा पावरफुल कमेटी है, उसकी क्या काम है उसका, ये किसी को नहीं पता चला आज तक। तो हम क्यों नहीं कैपिटलाइज कर सके कश्मीर की किसी भी अपराइजिंग को? असल में जिस तरह भी जमील साहब ने फरमाया, ये दिल नहीं है इनकी, इनका इरादा नहीं है, इनकी नीयत नहीं है कश्मीर पे कुछ काम करने की। वरना कश्मीर में जो बुरहान वानी के बाद, शहादत के बाद उसकी जो माहौल बना, उसको अगर पाकिस्तान कैरी ओवर करता तो इस वक्त तक मैं समझता हूँ कि इंडिया बहुत ज्यादा बैकफुट पे होता। सूरत हाल ये है कि लास्ट ईयर आप देखें कि जब बुरहान वानी का जिक्र किया है नवाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन की तकरीर में, तो इंडिया में एक तूफान उठ खड़ा हुआ और वो कहते हैं कि इन्होंने टेररिस्ट का नाम लिया है। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि नवाज शरीफ ने, इंडिया ने जो टेररिस्ट हमारे यहाँ भेजा है कुलभूषण यादव, उसका नाम नहीं लिया। नवाज शरीफ का क्या जिक्र करें? हमारे मौजूदा वजीर आजम अब्बासी साहब ने भी इस दफा तो कुलभूषण का नाम क्या लेते हैं, उन्होंने बुरहान वानी तक का नाम नहीं लिया। तो इससे आप जितना मर्जी अपना मतलब खून बॉयल कर लें, यहाँ पर ये लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है कश्मीर को सिवाय लफाजी से ज्यादा आगे ले जाने के लिए। जब तक इसमें चेंज नहीं आएगी, आप चाहे उल्टे खड़े हो जाएं, लेकिन कश्मीर के बारे में इंडिया डिफेंसिव पर नहीं जाएगा। पाकिस्तान को इस सिलसिले में जब अपना ही एक रवैया जो है हमारा माजरत खुहाना है, हम कुलभूषण यादव के इशू पर ही आपस में डिवाइडेड नजर आते हैं, तो फिर बाकी कश्मीरियों का, और कश्मीरियों का आप डेडिकेशन देखें पाकिस्तान में कहाँ होता है। इंडिया में कश्मीरियों जो शहादत होती है तो वो पाकिस्तान के झंडे में उसको दफनाया जाता है। बिल्कुल, पाकिस्तान में तो ये नहीं हो रहा, वो लोग इस हद तक कमिटेड हैं और वो लोग क्या करें, मुझे बताएं इससे बढ़ के कश्मीर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद नैयरुद्दीन अहमद साहब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया जमाल अहमद कैसर साहब ने, आप डीसी बिजनेस एम्बेसडर हैं डिप्लोमेटिक काउंसिल यूनाइटेड नेशंस के। जमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज न्यूज के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि भारत का दावा था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हा रह गया और उसने बड़ी काविशें की, बड़ी उसने मेहनत की, बड़ी उसने लॉबिंग की पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की सीट को जीता है, एक बड़े मेजॉरिटी वोट के साथ पाकिस्तान ने यह सीट विन की है, तो इसका तो साफ मतलब है कि दुनिया पाकिस्तान को उस तरह से नहीं देख रही जिस तरह से भारत दिखाना चाह रहा था। तो पाकिस्तान की कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है, जमाल साहब क्या कहेंगे आप? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की डेलीगेशन को, इंक्लूडिंग मिलिया लोधी एंड द होल टीम, के उन्होंने बाहर आ, ये बहुत बड़ी उनके लिए एक कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे काम जानते होंगे कि पहले चार दफ़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक सीट रख चुका है, लेकिन लास्ट टू टर्म्स में पाकिस्तान की कोई सीट नहीं थी। तो ये सीट अब तकरीबन 3 साल के लिए इनके पास है और वो भी उन्होंने मेजॉरिटी के साथ जीती, 2/3 मेजॉरिटी इनको मिली और अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ना आप इंडिया की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल है इंडिया छोड़ के यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ट्रंप की आपने स्पीच सुनी थी, ऑल काइंड ऑफ दिस इंटरनेशनल रिलेशंस, पाकिस्तान को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के बारे में हाईलाइट कर रहे थे, तो फिर भी देखे दुनिया ने पाकिस्तान को अपना ट्रस्ट दिया, उस पर भारत पाकिस्तान के जो सफीर वहाँ बैठे हैं उनका बहुत
उनकी मेहनत है और जो उनका अल्लाह ने काम नहीं। जमाल साहब अब ये फरमाइए कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ उनको दुनिया भर के सामने लेके आने के लिए पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्योंकि भारत तो एक्सेस नहीं देता वहां पे, इंसानी हकूक की कोई भी तंजीम जाती है, कोई भी ह्यूमन राइट्स कमीशन जाता है वो उसको अलाउ वहां पे नहीं करते, और जबकि जो निहत्ते कश्मीरी हैं उनकी कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ इतनी है कि वो तो अपने शहदा को भी पाकिस्तानी परचम में लपेटते हैं, उसमें दफन करते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अब पाकिस्तान की? जहाँ तक आपका सवाल कश्मीर के तालुक के मुतालिक है, वो तो एज ए एम्बेसडर पाकिस्तान की टीम जो है वो हमेशा इंडिया को बार बार ये बात याद दहानी करा सकती है कि जो रेजोल्यूशन 47 पास हुआ था जिसमें प्लेबिसाइट के बारे में इंडिया को कहा गया था, जिसको इंडिया ने एक्सेप्ट किया और बाद में इंडिया ने उसको असल में एक तरह कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं, तो उसके ऊपर भारत को प्रेशर डालना चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को ह्यूमन राइट्स के ऊपर। इस वक्त अब कश्मीर में जो इन्होंने बैलेट गन्स यूज़ किए हैं, आपको पता है ये जानवरों पे यूज़ होते हैं, तो ये और वो इंडिया हम छोड़ के क्या, इस वक्त तो इंडियन अपनी पब्लिक बोल रही है कि हमारे जो इंडियन इस वक्त तो इंडियन टेरिटरी है वो, तो वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रही हैं तो इसको हाईलाइट करते रहें और इसको एज ए हुकूमत पाकिस्तान भी एज एम्बेसडर भी इस पर काम करें, और सिक्योरिटी काउंसिल और ह्यूमन राइट्स कमीशन के तौर पर भी इसको करें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए और आप जानते ही हैं कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है ना, इट्स नॉट ए नेशनल फोर्स, जैसे पाकिस्तान की तो वो एक सफारतकार जो है ग्रुप जो है वो तो चले, उनका तो एक उनका उनकी एक डायरेक्शन हुई ना as a country for protection, like when if you have a seat in international institution group like human rights commission, to phir aapko sari duniya ke jo masail hain unko check karna padega. Aap dekhiye Syria mein kya ho raha hai, aap Rohingya ko check kare, aap aur duniya mein jo violations Libya mein ho rahi hain including Pakistan mein jo violations ho rahi hain un sab ko aap address kare और उन सब पे कोशिश करें कि उस हर चीज़ का उसमें जो आपकी तरफ से जो किरदार इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का हो सकता है उसको पूरा किया जाए। तो जमाल साहब आप क्या समझते हैं कि अक्वामे मुत्तहदा के अपने एजेंडे पर मसला कश्मीर कहां पर खड़ा है, क्योंकि जाहिर है कि ये बहुत बड़ा मसला है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वहां पे हो रही है, और अब तो रोहिंग्या मुसलमानों का मसला भी यूनाइटेड नेशंस के सामने होगा। जी सुल्तान साहब, ये जो आपने रोहिंग्यास के बारे में सवाल किया ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है खास कर ह्यूमन राइट कमीशन के लिए। आप जानते हैं कि थोड़ा कुछ सबसे पहले ही सेक्रेटरी जनरल ने यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये ऐलान किया कि जो दे आर द मोस्ट प्रोसिक्यूटेड पीपल इन द वर्ल्ड, तो इसके ऊपर तो भारत लगा, पाकिस्तान की जो सीट है और ये एक इंटरनेशनल वायलेशंस हैं जो वहाँ पर हो रही हैं, और ख़ासतौर पर वो तो आप कह सकते हैं कि एथनिक क्लिनसिंग है, अच्छा एथनिक क्लिनसिंग हो रही हो उसमें तो जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं उनको तो भारत उनके बुरी तरह बर्मा को और सबको जिनके इर्द गिर्द हैं उनके सपोर्टर्स और कुछ लोगों के इकोनॉमिक रिस्क के इंटरेस्ट हैं वहाँ पर, उनको भारत हर लिहाज से इशू करना चाहिए और उनको भारत डिप्लोमेसी में रहते हुए फुल प्रेशर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल कैसर साहब प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ के लिए वक्त निकालने का। और नाजरीन ये थे जमाल कैसर जो कि डीसी बिजनेस एम्बेसडर हैं, ये डिप्लोमेटिक काउंसिल यूनाइटेड नेशंस के। प्रोग्राम में एक और गेस्ट को भी शामिल करेंगे लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है मलिहा लोधी साहिबा ने जो कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब हैं, और इस अहम तरीन कामयाबी में बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा को जाता है। सबसे पहले जी बहुत बहुत हम आपको मुबारकबाद पेश करेंगे कि इस अहम तरीन कामयाबी जो कि आपने हासिल की, और पूरे पाकिस्तानी कौम जो है वो इस पर आपको मुबारकबाद देना चाहती है। अब सवाल यह है कि कैसे वक्त में जब भारत जो है वो बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, भारत ये दावा कर रहा था कि पाकिस्तान सिफारती सतह पे दुनिया भर में अब अकेला रह गया है, आइसोलेशन में चला गया है, तो कितनी मेहनत करना पड़ी आपकी टीम को और आपको कि ये 151 ममालिक ने जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त एक इंडोर्स किया पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से जो हमने खिदमत अंजाम दी उसको सराहा है, कितनी मेहनत करना पड़ी डॉक्टर साहब?
हर इलेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन हो, नेशनल असेंबली का इलेक्शन हो, या बैन अवी सतह पर यहाँ पर, जैसे कि जनरल असेंबली जो कि 193 कंट्रीज पे मबनी है, उस इलेक्शन में ज़ाहिर है आप पूरी दुनिया से वोट मांग रहे हैं, तो चैलेंज तो बहुत बड़ा होता है। और इसमें ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा रोल इस चीज़ का होता है कि उस मुल्क के लिए बैन अवी सतह पर कितनी इज्जत है, उसका रोल किस हद तक सराहा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज तो था, लेकिन पाकिस्तान ने माजी में भी सफारती कामयाबियां हासिल की हैं, हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं, 7 दफ़ा हम इलेक्ट हो चुके हैं, और ये 4th दफ़ा पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इलेक्शन जीता है। तो जाहिर है इसमें मेहनत तो बहुत हुई है, और इसमें एक स्ट्रेटजी के तहत हमने काम किया, और मैं समझती हूँ कि ये जो विक्ट्री थी ये इस बात की निशानदेही करती है कि जो झूठा प्रोपेगेंडा होता है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी में तन्हा है, तो वो तो बिल्कुल ही एक्सप्लोड कर गया है, यानी कि वो बिल्कुल एक मिथ है जो कि इस इलेक्शन ने एक्सप्लोड कर दी है। मलिया लोधी साहबा, हम जानना चाहेंगे कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशंस की, इसके मकासद क्या है, इसके अगराज व मकासद क्या है, इसकी हिफाजत पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो यूनाइटेड नेशंस का है, उसका बेसिक तो बुनियादी जो मकसद है वो यही है कि दुनिया में जो स्टैंडर्ड्स जो कि तयशुदा स्टैंडर्ड्स हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उनको किस तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, और किस तरह से ममालिक जो हैं वो ऑब्ज़र्व करें उन स्टैंडर्ड्स को, या वो स्टैंडर्ड्स वो सेट करें। साथ साथ ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ज़ाहिर है ये भी मकसद है और रोल है कि जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं उसकी निशानदेही करें। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स के लिए एक हाई कमिश्नर भी है फॉर ह्यूमन राइट्स, और वो जो है उसका भी यही काम है कि वो जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो रही हैं उस पर ना सिर्फ आवाज़ उठाए मगर फैक्ट फाइंडिंग मिशंस भेजे, और ये इंश्योर करे कि उस तरह की जो अब्यूज़ हैं वो ना हों। तो इसका रोल एक बहुत ही वाइड रेंजिंग रोल है। आपको जैसे मालूम है यूनाइटेड नेशंस के 3 बुनियादी पिलर्स हैं, एक पीस है, अमन, एक डेवलपमेंट है, और तीसरा ह्यूमन राइट्स है। तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से ह्यूमन राइट्स काउंसिल ही जो है वो रोल प्ले करता है। मलिया लोधी साहबा, भारत क्लेम करता है कि इंसानी हकूक के हवाले से पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत खराब है, भारतीय मीडिया जो है वो दिन रात झाग उगल रहा पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि हकीकत यह है कि 193 ममालिक जो है वो इसमें शामिल थे जिसमें 151 वोट समय मिले, रादर के हमें जो सिंपल मेजोरिटी है वो सिर्फ 97 वोट समय दरकार थे। तो दुनिया तो उस तरह से नहीं देख रही है भारत को, पाकिस्तान को, जिस तरह भारत दिखाना चाह रहा है। मैं समझती हूँ पाकिस्तान की इलेक्शन टू द ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो इतनी कामयाबी से हुई, जिसमें कि हमें ऑलमोस्ट 80% ऑफ वोट्स मिले, एग्जैक्टली 151 आउट ऑफ 193, तो ये तो इस बात का सबूत है ना कि पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है, नेशनल रिकॉर्ड भी कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और पाकिस्तान का इंटरनेशनल रोल भी कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के लिए क्या करता है, और पाकिस्तान ने इतने सारे जो मुख्तलिफ कॉवनेंट्स हैं या जो एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज़ हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उसका भी पाकिस्तान मेंबर है, पाकिस्तान ने एक्सीड किया है। तो पाकिस्तान का इलेक्ट होना ऐसी बॉडी पे, तो इट इज़ एन एंडोर्समेंट ऑफ पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स। सो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान अगले 3 साल के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आया, यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है इसका मेंबर बना, तो इस प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की तरजीहात क्या होंगी, बिलखसूस कश्मीर, और अब तो रोहिंग्या के हवाले से भी जो है इंसानी हकूक के पामाली की जो केसेस जो है वो बड़ी दुनिया के सामने आए, हमारी क्या प्रायोरिटीज होंगी, क्या तरजीहात होंगी? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है टू ह्यूमन राइट्स, वो कमिटमेंट हम ट्रांसलेट करेंगे जब हम मेंबर बनेंगे ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जनवरी में इंशाल्लाह। और प्रायोरिटीज़ के हवाले से जाहिर है टू इंश्योर कि हम आवाज़ उठा सकें उन ममालिक के साथ मिलके जो हमारे साथ शेयर करते हैं हमारे गोल्स और हमारे आइडियाज़। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान जिनीवा में OIC का परमानेंट कोऑर्डिनेटर है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हवाले से। सो पाकिस्तान इज़ लीडर ऑफ द OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। उस हवाले से भी पाकिस्तान का एक ख़ास रोल बनता है कि मुसलमान दुनिया में जो बर्बरियत हो रही है और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, ख़ास तौर पे उनके ख़िलाफ़
आवाज़ उठाना एंड इंश्योर करना कि काउंसिल का जो एजेंडा है वो उस पर फोकस रहे। जाहिर है इसमें कश्मीर में जो हो रहा है, ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हो रहा है, वो सफ़े अव्वल है पाकिस्तान के लिए, और उससे भी तो हमें फ़ायदा ये होगा मेंबरशिप से कि ना सिर्फ OIC के कोऑर्डिनेटर होने के हवाले से, लेकिन हमारे मेंबर होने से भी हमें ये फ़ायदा होगा कि हम कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उनके बारे में हम आवाज़ भरपूर तरीके से उठा सकेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जो है वो फोर्थ टाइम इलेक्ट हुआ है, इससे पहले तीन हमारे जो टेनियर्स थे उसके हवाले से भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये मसला है कश्मीर तो है, ये तो सात दिहाइयों पुराना मसला है, तो वहां पे हम कामयाब नहीं रहे, क्या रहा वहां पे सिलसिला? और दूसरा ये कि खुद यूनाइटेड नेशंस के अपने चार्टर पर, यूनाइटेड नेशंस की अपनी तरजीहात में मसला कश्मीर कहाँ खड़ा है? मैं समझती हूँ कि कश्मीर, जैसे कि आपको मालूम है, इज़ द ओल्डेस्ट आइटम ऑन द UN एजेंडा। फ़लस्तीन और कश्मीरी दो इशूज़ हैं जो सबसे पुराने आप कह सकते हैं UN के एजेंडा पे हैं, और जाहिर है उसको इस्तेमाल करते हुए उस बेसिस पे एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है ये, और उस मॉरल और लीगल पोजिशन से ही पाकिस्तान फिर अपनी आवाज़ उठाता है यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ फोरम्स में, और काउंसिल की मेम्बरशिप से जहाँ तक उसका ताल्लुक है, वो तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रिकॉर्ड आपके सामने है। तीन दफ़ा पहले जो पाकिस्तान मेंबर रह चुका है, पाकिस्तान ने हमेशा मुसलमान दुनिया ख़ास तौर पे उनकी तरफ से आवाज़ उठाई। मैं दो तीन एग्जांपल्स आपको देती हूँ। एक तो जो आपको पता है कि हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडा होते रहे हैं, बल्कि कई बहुत ही ख़तरनाक किस्म के और बहुत ही ब्लास्फेमस कार्टून्स भी छपे हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने माजी में हमेशा ये कोशिश की है कि एक रेजोल्यूशन पास की जाए, और वो हुई फिर जनीवा में, जो डिफेमेशन ऑफ रिलीजन्स के हवाले से है कि किसी मज़हब को डिफेम करना जो है वो ह्यूमन राइट, एक ह्यूमन राइट की वायलेशन है। तो इस किस्म के जो चीज़ें हैं वहाँ पाकिस्तान ने अपनी आवाज़ उठाई ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, और रेजोल्यूशंस बाकायदे पास कराए, और इसके साथ साथ जब हम काउंसिल के मेंबर रहे हैं माजी में, हम उन ममालिक के साथ खड़े हुए हैं जिनके ख़िलाफ़ हम समझते हैं कि कुछ जो हैं मगरबी मुल्क, वो सियासी बिना पे उनके ख़िलाफ़ कुछ एक्शंस लेने की कोशिश कर रहे थे, और हमने यही कहा कि जी ह्यूमन राइट्स शुड नॉट बी पोलिटिसाइज्ड, ह्यूमन राइट्स शुड बी कंसिडर्ड ऑन द मेरिट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना चाहिए उन रेजिम्स के ख़िलाफ़ या उन गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़ जिनसे के मगरबी दुनिया की नहीं बनती। तो उस हवाले से भी हम उन ममालिक के साथ खड़े हैं। मिसाल के तौर पे क्यूबा, हमने हमेशा इंश्योर किया कि हम क्यूबा के साथ खड़े हों, इसलिए कि हमने समझा कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल को पोलिटिसाइज किया जा रहा है क्यूबा के ख़िलाफ़। तो डॉक्टर साहब, जो मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म बर्बरियत है इस वक्त भारत जो इस वक्त वहां पे कर रहा है, तो हम किस तरीके से लेकर आएंगे सामने, आप किस तरीके से सामने लेकर आएंगे, क्योंकि भारत तो वहां पे किसी को एक्सेस नहीं दे रहा। जो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशन वहां गया था, जाना चाह रहा था, उसको भी वहां पर उन्होंने नहीं जाने दिया, और जो 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 कश्मीरी है उनकी कमिटमेंट यह है कि वो अपने शोदा भी पाकिस्तानी परचम में लपेटते हैं, वो पाकिस्तानी परचम में उनको दफन करते हैं, तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान ही की वाहिद आवाज है। किस तरीके से आप इस तमाम मामले को आगे लेके चलेंगी? जाहिर है पाकिस्तान की एक ऑब्लिगेशन है कश्मीरी आवाम की, बिकॉज ये ना सिर्फ एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है जिसमें पाकिस्तान एक पार्टी है, लेकिन मॉरली भी और सियासी तौर पे भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की तवक्को है ये कि पाकिस्तान शाना बशाना खड़ा रहे कश्मीरी आवाम के साथ। तो उस हवाले से जाहिर है हम एक स्ट्रेटजी के तहत यहाँ एक UN जैसे इदारे में कश्मीर के बारे में इस इशू को अलाइव रखते हैं, और इस इशू के बारे में अवेयरनेस पैदा करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि आपको मालूम है, जब वज़ीर-ए-आज़म यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने जनरल असेंबली के अपने खिताब में कश्मीर को फोकस बनाया, और कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं तो पूरी दुनिया ने वो सुना, और उन्होंने इस इशू को बहुत भरपूर तरीके से इफ़ेक्टिवली हाईलाइट किया। इसके अलावा मैं खुद रूटीनली रेगुलरली ब्रीफ करती हूँ सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को, हम लोग डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को ताकि वो सर्कुलेट करें कश्मीर के हवाले से, इसलिए कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का एक एजेंडा है, पिछले 70 साल से उसके एजेंडे पे रहा है और रहेगा।
और अभी हाल ही में मैंने प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली को भी ब्रीफ किया है कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, और हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी हमें यहाँ पर फोरम मिलता है, जो भी अरीना हमें मिलता है, उसको हम इस्तेमाल करके हम कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह रखते हैं, और साथ साथ हम यूनाइटेड नेशंस को बार बार ये याद दिलाते हैं कि उनकी एक ऑब्लिगेशन है टू द पीपल ऑफ कश्मीर। आखिर यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस हैं जो आज तक नहीं इम्प्लीमेंट हुए, जैसे कि फ़लस्तीन के जो रेजोल्यूशंस हैं वो भी नहीं इम्प्लीमेंट हुए, तो आखिर फिर ये सवाल पैदा होता है मुसलमान जहनों में और मुसलमान दिलों में कि क्या ये मुसलमानों के खिलाफ एक डिस्क्रिमिनेशन है कि बाकी सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं मगर जो मुसलमान दुनिया के दो बड़े बड़े इश्यूज हैं, अब खैर रोहिंगा मुसलमानों का भी इशू हमारे सामने आया है, उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्शन ले रही है, उसमें भी पाकिस्तान पेश रहा है यहाँ अवेयरनेस क्रिएट करने में और इसको एजेंडा पर डालने के लिए। तो उसी तरह से हम कश्मीर पे तो पिछले बहुत सारे यानी कि लास्ट फ्यू डेकेड्स जो भी यहाँ पर पाकिस्तान का नुमाइंदा रहा है उसकी एक फर्स्ट प्रायोरिटी यही रही है कि जी कश्मीर का जो इशू है वो अलाइव रहे, यूएन के एजेंडा पे रहे, और जिस हद तक हम कर सकें भारत के जो वहाँ पर अजायम हैं और जिस किस्म के जुल्म वो ढा रहा है वहाँ पर ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसको इंटरनेशनल स्टेज पे और इंटरनेशनल कम्युनिटी के रेडार स्क्रीन पे मुसलसल रखें हम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ के लिए। जमील साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। नाजरीन अब प्रोग्राम के अख्तिताम में कुछ का बात कर लेते हैं भारतीय आवाम से उनकी अपनी जुबान में, क्योंकि वहां पे दिवाली भी है और हम आज न्यूज के माध्यम से और पाकिस्तानी जनता की ओर से तमाम भारतीय वासियों को मन की अता गहराइयों से दिवाली की शुभकामनाएं पेश करते हैं, परंतु भारतीय सरकार पर वाजे भी करते हैं कि दूसरों को भाषण देने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांके, खुद आपकी जनता आर्थिक सीमा का शिकार है, आंकड़े देखिए और अनुमान लगाइए कि आपके देश में कितनी निराशा है, आत्महत्या के वाकयात में कितने प्रतिशत इजाफा हुआ है, आपकी सेना खुद आर्थिक सीमा का शिकार है, आपसे निराश है, आपको दोषी मानती है। शायद आपको अनुमान नहीं कि पाकिस्तानी दुश्मनी में आप देश और जनता को किस देश में ले जा रहे हैं। अपनी जनता पर कृपा कीजिए, पाकिस्तान आपके साथ अमन जरूर चाहता है, शांति भी चाहता है, लेकिन बराबरी के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।